जय साई राम। नमस्कार, मैं बृज मंसूरी आज आपको गुरुवार का उपाय बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि किसी पर बृहस्पति चल रहा हो और वह व्यक्ति माथे पर यदि केसर का तिलक नहीं लगाता या हल्दी का तिलक नहीं लगाता और दूध में हल्दी डालकर नहीं पीता और इसके विपरीत नॉनवेज लेता है तो उसका नुकसान होता रहता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम पर कर्जा बहुत है। अब उनकी जन्म कुंडली में यदि शनि, राहु या केतु की दशा है और वह व्यक्ति ऊपर से नॉनवेज खाते हैं और शनिवार या बुधवार खा लेते हैं तो कर्जा बढ़ता रहता है। परंतु दूसरी तरफ यदि ये तीनों ग्रह हैं परंतु शनि की डिग्री 10 से ऊपर है तो कर्जा उतरना चाहिए परंतु नहीं उतरता है। कई बार कारण क्या होता है कि उस पर राहु की दशा होती है यानी राहु की दृष्टि होती है। तो ये सब जन्म कुंडली में देखना होता है कि किससे कर्जा उतरेगा, कैसे इस व्यक्ति को कर्ज मुक्त किया जा सकता है, कैसे इसके ऊपर धन तेजी से बरसेगा। तो ये सब जन्म कुंडली के विषय हैं। ज़रूरत है जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाने की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुवार का उपाय। आज केलों का दान कीजिए या चने की दाल का दान कीजिए या फिर गुड़ का दान कीजिए या तीनों चीज़ों का दान कीजिए। बहुत तेज़ी से आपको लाभ मिलेगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि गुरुवार शक्ति देगा, भक्ति देगा, लाभ देगा, सुख देगा और गुरु का आशीष आपको देगा। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh